मैं बतौर एक्टर बहुत अवेयर रहता हूँ कि मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है। एक इंस्टेंट आया आपके पूछने पे प्रोसेस में, तो उसमें हाँ जी, बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें ट्रस्ट है, कन्विक्शन आप है, बोलिए ना, वी हैव टाइम, क्राफ्ट हम है। सुनना चाहेंगे। नहीं, मेरे पास समय कम है, मेरी रात की फ्लाइट है। तो वैसे मैं इस पे बोलना शुरू करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकती है बातचीत, और बहुत बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि और खतरा भी है बताने का, क्योंकि आपको जितना जादू देखने में मजा आता है, जादू के प्रोसेस में उतना मजा नहीं आएगा। तो हम वो जादूगर हैं कि रुमाल और कबूतर दोनों हमारे पास है, वक्त आने पे कबूतर को रुमाल बना देंगे, और फिर वक्त आने पे रुमाल को कबूतर बना देंगे, लेकिन ये हम बताएंगे नहीं कि वो किधर है। पर हम तो परिवार लोग हैं, आप बताओ, हमें 2 मिनट में बता दो बस, वील मेक श्योर यू कैच योर फ्लाइट, थोड़ा हाँ, सा बता दो। नहीं, प्रोसेस ईमानदारी की है, मेहनत का है, वो एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, हाँ 9-10 साल एग्जैक्टली, थिएटर किया हूँ, और हमेशा सोचते रहता हूँ आर्ट को लेके कि कैसे। ये मेरे मन में 15 साल पहले ख्याल आया था कि मैं एक्टिंग को कैसे अप्रोच करूं कि वो एक्टिंग तो हो लेकिन एक्टिंग लगे नहीं। अब धीरे 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 थोड़ा बहुत अचीव कर रहा हूं, कभी कभी करता हूं, कभी कभी, कि वो एक्टिंग हो रही है लेकिन एक्टिंग लगे नहीं। और अब थोड़ा सा मेरा थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, मैं कल अपनी पत्नी को रात में समझा रहा था कि नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार हैं, तो मुझे लगा कि ये जानती होंगी, ये बोली मैं नहीं जानती हूँ। बोले अरे, फिर मुझे लगा कि यार एक्टर तो मैं हूँ ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक्टिंग के जो 4 प्रकार हैं नाट्य शास्त्र में, पता आप में सब जानते हैं, यहाँ बता दो, चलिए एक्टिंग की ही क्लास हो जाए, मजा आएगा वैसे। या हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों। नाट्य शास्त्र में पंचम वेद का दर्जा दिया गया है, तो असुर मानते थे कलाकारों को, नाटक वालों को, तो एक अलग वेद कर दिया। तो उसमें 4 प्रकार है, एक है आंगिक, जिसमें बॉडी मूवमेंट और बॉडी के पोस्चर जेस्चर की जरूरत होती है। दूसरा है वाचिक, जो हमारा स्पीच होता है, जो बोलते हैं। तीसरा है आहार्य, आहार्य मतलब कॉस्ट्यूम। और चौथा है सात्विक, आप तो जानती हैं, मैं आप सबको बता रहा हूं। तो सात्विक सबसे मुश्किल काम है, सात्विक, जहां जहां पे ज्यादा सत्व की, ट्रुथ की, इमोशंस की जरूरत है, जिसमें जिसमें आंगिक में हमारे पास एक इक्विपमेंट है हमारा शरीर, कि इसको हम आड़ा टेढ़ा बना देंगे। आहार्य में हमारे पास कपड़े हैं, वाचिक में हमारे पास भगवान ने वोकल कॉर्ड दिया है, स्पीच दिया है, भाषा दी है। सत्व के लिए, सात्विक के लिए हमको ईश्वर ने जो दी है उसको रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है। न चाहते हुए रोना, हमारे जीवन में खुशी चल रही है, सीन में रोना है, हमारा जीवन एक्सट्रीमली हैप्पी है, बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा है। अब जिस आदमी को खूब कमाई हो आज दिन भर, बोले अब आपको रोना है, कितना मुश्किल है। बोले क्यों रोऊंगा, मेरा तो अच्छा चल रहा है आज का दिन। तो हमें, और कई बार घर में कोई चिंता है, परेशानी है, दुख है, और सीन में हमें हंसना है, तो हम अब तो खैर एक्टिंग के ये 4 प्रकार हैं, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो सात्विक टफ काम है, और सात्विक के लिए लंबा वक्त लगता है। वो जब अभिनेता 40 साल के ऊपर जाता है तब थोड़ी थोड़ी समझ आती है, जो अब मुझे समझ आ रही है, और 1-2 साल बाद आप लोगों को उस समझ का परिणाम दिखेगा किसी न किसी फिल्म में। जरूर दिखेगा और ऑलरेडी दिख रहा है। मैं एक और ऑफ स्क्रिप्ट बात कहना चाहूँगी। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको बहुत ही गौर से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, और उससे ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को फील कर रही हूँ। एंड आई थिंक योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड माहिरता इज़ दैट योर एनर्जी इज़ प्योर एंड इट्स गॉट अ वेरी वेरी करेक्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज़ वाई आई फील एज एन एक्टर यू कैन अडेप्ट टू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स सो एफर्टलेसली, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर और अनटैम्पर्ड जी, मैम, एक्टिंग एक ऐसा खेल है ना, जिसमें जैसे बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं ना, एक इधर एक उधर, और दोनों का टारगेट होता है कौन किसको हरा दे। एक्टिंग एक लौता खेल है जिसमें 2 प्लेयर खेलते हैं, कोई किसी को हराता नहीं है, दोनों का टारगेट होता है खेल अच्छा बना दें, कंटेंट को डिलीवर कर दें ऑडियंस तक। जी तो इसीलिए आप मेरे साथ किसी भी एक्टर को देखेंगे किसी भी सीन में, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखेगा, जी जी आई नो, आई हैव सीन दैट, क्योंकि वो मैं खिलाड़ी उसको बना लेता हूँ, जी और उसको पता भी कई बार नहीं चलता है, तो हम लोग दोनों एक स्तर पे आके खेल लेते हैं।
आपने बहुत सारा खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है माही के साथ और बाजी के साथ, कुछ सिखाया इन्होंने आपको क्रिकेट के बारे में या आपने उनको एक्टिंग के बारे में सिखाया? नहीं, मैंने तो क्रिकेट के बारे में उन लोगों ने बहुत सिखाया है। really? अच्छा? कपिल सर हम लोगों को वर्कशॉप में थे धर्मशाला में, और वो बहुत अच्छे मिमिक करते हैं, उनका आप लोग अभी आएंगे मिमिक कराएं उनसे। अरे उनसे कोई किस्सा सुनवाइएगा, उनसे बोलिएगा कोई किस्सा, इतना बढ़िया नरेट करते हैं, हम लोग हंस के गिर जाते थे, कमाल एक्टर हैं वो। तो उनकी कहानियां बहुत अद्भुत होती हैं, हम लोग धर्मशाला में एक रात सुन रहे थे और हंस के गिर गए थे। पर आपने एक्टिंग सिखाई होगी पक्का? नहीं नहीं, मैं नहीं ना, कभी नहीं। अच्छा मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ एसआरएम? सबसे जो बढ़िया जो एक चीज है एसआरएमबी के बारे में, ब्रांड के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी जो जर्नी रही है उनके साथ, इस जर्नी में आपने क्या ऑब्जर्व किया है सबसे बढ़िया चीज? सबसे बढ़िया चीज है कि अभी बिहार में बहुत प्रेजेंस बढ़ रहा है मेरे स्टेट में। तो बहुत सारे वो गंगा नदी के ब्रिज बनने वाले हैं एसआरएमबी स्टील से, जिससे होकर मैं अपने गाँव जाऊंगा। Put your hands together for him. I told you he's real. क्योंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि आपको फ्लाइट लेनी है, मैं छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड कर दूं इनके साथ, एंड देन वी विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू हैव सम क्वेश्चंस। या सो रैपिड फायर ट्राई करते हैं हम लोग, हाँ अच्छा वाला, टीवी वाला नहीं। सो थ्री वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। मैं अपने को जी बड़ा मुश्किल होता है खुद को डिस्क्राइब करना, कि बहुत अच्छा बोलो तो भी लगता है कि अपनी तारीफ करने लगा, बुरा बोलने में करिए ना कोई बात कुछ नहीं। अब क्या डिस्क्राइब करना, 15 मिनट में तो डिस्क्राइब हो ही चुका हूं मैं। चलिए कहते हम लोग कहते हैं वन वर्ड फ्रॉम यू। वन वर्ड, मैं सहज, बस सहज। सहज हाँ, और क्या बोलूं, बस सहज ही काफी है, उसमें बहुत कुछ है। सहज, हाँ सहज में एक्चुअली बहुत कुछ है, सहज इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। ओके, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दूं और कहूं कि आप टेलीपोर्ट हो सकते हो बैक इन टाइम, तो हिस्ट्री की किस इरा में जाना चाहेंगे और क्या आप होना चाहेंगे? मैं जब भी लिच्छवी से गुजरता हूँ, वैशाली में लिच्छवी एक जगह है जहाँ कहते हैं डेमोक्रेसी की शुरुआत वहां से हुई थी वैशाली में, तो वो रुइंस बचे हुए हैं, तो उनको देख के मैं बहुत, मुझे लगता है कि यार उस एरा में अगर जाके देखें कि कौन लोग थे जो इतने प्रोग्रेसिव थे और डेमोक्रेसी के बारे में सोचा था कई हजार साल पहले, भारत लिच्छवी वैशाली, तो मैं वहीं जाऊंगा। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि आप सुपर हीरो बन सकते हैं तो कौन सा सुपर हीरो बनना चाहेंगे? मैं बजरंग बली। ना टिकट लेना कुछ करना, जहां मन वहां चल दिए, हम सपने में सब उड़ते हैं, तो एक मौका मिले रियल लाइफ में उड़ने का तो मैं बजरंग बली बने। रियल लाइफ में आप बने ना बने, आई होप अगर कभी रामायण फिर बने बड़े पर्दे पे तो आपको बजरंग बली का रोल दिया जाए और आप बखूबी निभाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट। आप टेक्स्ट सबसे ज्यादा किसको करते हैं? खाने को। टेक्स्ट क्या? टेक्स्ट व्हाट्सएप सबसे ज्यादा किसको? टेक्स्ट हां, वो टेस्ट हमको सुनाई दिया। टेक्स्ट किसको? सब मैं अपनी पत्नी को ही करता हूं क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। अच्छा व्हाट्सएप नहीं है, तो एसएमएस ही करता हूं। एसएमएस करते हैं तो आप यहां बैठी है इसलिए कह रही है या वैसे भी यही है? नहीं नहीं, मैं जिसको भी कर सहज, एसएमएस के सिवाय कुछ। ओके, आपका लास्ट गूगल सर्च क्या था आज? आज द क्लब से एयरपोर्ट कितने देर में पहुंचूंगा? अभी किया, गेट के बाहर किया था, 24 मिनट 30 मिनट दिखाया था। और आपका लास्ट क्वेश्चन, गो टू कैरियोके गाना कौन सा है? नहीं मैं ये वो सब नहीं करता। फंस नहीं रहे, देखा मैं गवाने वाली थी। नहीं, ओके चलिए, द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस लेंगे, जल्दी से पुट योर हैंड अप एंड आई विल सेंड यू अ माइक। हां जी, जी गुड़गांव करके एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे है और आई थिंक और अमेजोन पे भी है शायद, गुड़गांव, वो थोड़ा मुश्किल फिल्म था। वो कैरेक्टर मुश्किल क्योंकि बहुत ग्रे था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, और मैं जीवन में सहज हूँ, तो मैं जीवन में मैंने कॉम्प्लेक्स का उतना अनुभव नहीं किया है, लगभग ना के बराबर किया है,
तो उसको रिक्रिएट करना मुश्किल था क्योंकि उसके रेफरेंस मेरे पास नहीं थे पर्सनल, तो इसलिए मुश्किल था वो। यू गॉट योर आंसर? व्हाट इज योर गुड नेम प्लीज? अभय। अभय जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक और सवाल पूछना चाहेंगे जल्दी से? आपका जिंदगी में सबसे कठिन फेज कौन सा रहा है और आप कैसे उससे बाहर आए? जी, कठिन फेज तो अब खोजना पड़ता है कौन सा रहा है, मुझे सच में याद नहीं, क्योंकि मैं कठिनाई में भी बहुत, मुझे पता नहीं था कि मेरा कठिन वक्त चल रहा है, पता होता तो मैं कठिन मतलब समझता, मुझे तो ठीक ही था, जीवन ठीक ही चल रहा था, पर अब लोग सवाल करते हैं तो लगता है कि मैं बहुत कठिनाई से गुजरा हूँ क्या। ओके, आई हैव रेड अ कोट ऑफ हिज समवेयर वेयर ही स्पोकन अबाउट स्ट्रगल इन अ वेरी अनअफेक्टेड मैनर। मुझे अब वो कोट याद नहीं आ रहा आपका, कुछ हफ्तों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने स्ट्रगल के बारे में कुछ कहा था, और कैसे कि स्ट्रगल ने आपको बिल्कुल इंपैक्ट नहीं किया, यू डोंट इवन फील इट्स अ स्ट्रगल। हां, कुछ ही सेड समथिंग अबाउट इट। बहुत प्रवचन करता हूं मैं मेरे असल में जब हम मुंबई में शुरुआत ट्राई कर रहे थे, बहुत बड़ा शहर है, जब परसों मैं आ रहा था अलीबाग से बोट के थ्रू रोरो से, तो मुझे दूर से सिटी का स्काई लाइन दिखा बॉम्बई का, वो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और टाउन वाला इलाका, तो मुझे लगा यार बहुत बड़ा शहर है, इस शहर में हम एक गांव से एक दिन ट्रेन पकड़ के आ गए थे, और ये सोच के कि अभिनेता बनूंगा और बन गया, तो मुझे लगा दूर से सिटी को देखा आउट लाइन वो इवनिंग में, तो एहसास हुआ। मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी यहीं गोरेगांव के विद्यालय में, एक बाइक थी जो आज भी है मेरे पास, अभी भी चलती है, उसको संभाल के रखा हूँ, तो जीवन ठीक था, तो मुझे कभी पता नहीं चला कि कुछ खराब चल रहा है। जब आपने वो स्काईलाइन देखी तो आपने नहीं बोला मन में आई गॉट यू? नहीं, वो फिल्मों में होता है ना कि मुंबई का किंग कौन, ये सब, वो सिर्फ मन में थॉट आया था कि यार ये सिटी सच में बड़ा है, 2-2.5 करोड़ की आबादी में एक लड़का आता है ट्रेन पकड़ के, और कि अभिनेता बनना है, मैं तो बड़ा बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ये अद्भुत सिटी है, कमाल की जगह है ये। बिल्कुल, हम भी ये बात मानते हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई हैव गॉट माय सिग्नल टू रैप इट अप। एनीबॉडी, वन लास्ट क्वेश्चन? अब में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है, ये मंत्र मुग्ध हो चुके। यस मैम, प्लीज। हाँ सर, थैंक यू। द माइक टू द लेडी देयर प्लीज। कोई बात नहीं कनिका, हम पहुंच जाएंगे, तनाव मत लो। मैं गजानन भाई फ्रॉम महफोंस सर, आपसे